मेरा आज का रिव्यू है फेयर एंड लवली नाइट के बारे में। इस प्रोडक्ट को जो मैंने एनालाइज़ किया है कि अगर आप इसको वाइटनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इट्स नॉट गुड। अगर आप अपनी स्किन को ग्लो के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको फॉर द टाइम बीइंग जब तक आप इसको लगाएंगे तो ये आपको ग्लो देगा। मैं आपको इसकी जो पंप बॉटल है कैप आप इसका देख लें और ये मैं अपने हैंड पे लगा रही हूँ। इसका वाटरी लिक्विड टाइप टेक्सचर है और आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा। फ्रेग्रेंस इसकी अच्छी है, माइल्ड जैसे दूसरे फेयर एंड लवली की क्रीम्स की हैं, दोनों की सेम फ्रेग्रेंस है और कोई ख़ास मुझे जो है अपनी स्किन के लिए कोई ख़ास ये क्रीम इतनी फैसिनेट नहीं की। हर किसी की स्किन डिफरेंट होती है, मेरी ड्राई स्किन है, मुझे ये क्रीम जो है सूटेबल नहीं लगी। आप भी इसे चेक कर सकते हैं और अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन अपनी स्किन के लिए मुझे ये बेस्ट नहीं लगी। आप इसको देख लें, हालांकि कंपनी क्लेम करती है कि आपको ये अच्छा वाइट कॉम्प्लेक्शन देगी, बट आई एम नॉट एग्री विद दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।